अभी मैं टेनिस जा रही हूँ। अभी स्कूल से आई हूँ और आज स्कूल बहुत बोरिंग था। क्यों क्यों बोरिंग था? क्योंकि बोरिंग था। बोरिंग था। हाँ तो गाइस खुशी अभी स्कूल से आई है, अभी जा रही हूँ मैं उसको छोड़ने के लिए। आज का ब्लॉग हम बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मैं लियो को घुमा के आई हूँ, फिर जा रही हूँ मैं इसको लेके टेनिस में, और उसके बाद मैंने करनी है धनिया देखो की मेरा बुआई। बर्थडे गिफ्ट कितना मस्त है। वो तो उस दिन से वही दिखा दिए। चलो तो गाइस लियो ना सुशांत को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। जब भी हम बोलते हैं ना सुशांत, तो वो भौंकने लगता है, चिल्लाने लगता है कि कहाँ है, इधर उधर देखने लगता है कि कहाँ है वो। तो अभी और वहाँ पे बोना है मुझे धनिया। देखो मैंने वो पूरा क्लीन कर दिया था परसों, क्योंकि अब दिखा नहीं सकती थी क्योंकि मेरी शक्ल देखने लायक नहीं थी, इतना ज़्यादा घास था वहाँ उसमें। और अभी हो गया वो पूरा क्लीन, यहाँ तक फ्लावर हैं। और मैंने ना 2 दिन पहले यहाँ पे सनफ्लावर की सीडलिंग डाली थी, और देखो सनफ्लावर आ भी गए ऊपर। और इसमें मैंने डाला है अपना तो क्या बोलते हैं, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड अभी आया नहीं है, ये कुछ और है, ये तो मैरीगोल्ड नहीं है। तो और यहाँ पे पुदीना है और बस। बाकी ये वाले कॉर्नर पे मेरे फिर से बहुत सारे फ्लावर होने वाले हैं, क्योंकि ये मैरीगोल्ड भी आना शुरू हो गया है। ये वाला तो है जिनिया का, तो ये वाला कॉर्नर भी अच्छा होने वाला है मेरा। तो गाय ये मोटा मोटा घास मैंने परसों निकाल दिया था, और अभी मैं इसको क्लीन कर रही हूँ ढंग से। देखो इस तरीके से निकल रहा है जड़े जड़े नीचे से ना। तो लियो को अभी मैं बोलूँगी सुशांत कहाँ है, तो सुशांत को ना बहुत मिस कर रहा है। तो एक मिनट बोलते हैं, लियो सुशांत कहाँ है, बोलो सुशांत भैया कहाँ है, सुशांत सुशांत कहाँ है, लियो आवाज़ दे, तो आवाज़ दे, सुशांत सुशांत इधर आओ, सुशांत 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 कहाँ है, सुशांत कहाँ है, सुशांत वो दौड़ के जा रहा है गेट से की गेट से। भले जानवर हैं लेकिन इनको सब पता होता है ना, इमोशनली ये अटैच होते हैं हमसे, तो इनको सारा पता होता है। जैसे वो फ़ोन करते हैं ना उसकी आवाज़ सुन के बहुत चिल्लाता है। तो गाइस ये बना दी मैंने, देखो यहाँ पे डॉल जैसे, और पूरी 9 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉल बन गई है। और कल मैं इसमें धनिया डालूंगी, क्योंकि मेरे पास ना फ्रेश धनिया नहीं है, सुपरमार्केट से लाना पड़ेगा। मेरे पास पुराना है लेकिन वो जमेगा कि नहीं जमेगा पता लग रहा है, मैंने मेहनत करी और वो हुआ ही नहीं। तो इसलिए अभी जाऊँगी सुपरमार्केट में थोड़ी देर में। और यहाँ पे ना मुझे सारे फ्लावर लगाने हैं, लेकिन ये फ्लावर मुझे कुछ निकालने पड़ेंगे और ये घास भी। तो यहाँ पे मुझे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड लगाने, मिक्स मतलब लगाने, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है उसके बाद। तो चलो तो गए, अभी देखो यहाँ पे डार्क हो गया 6:30 बजे, अभी 6:25 हो रहे, बल्कि 6:30 भी नहीं हुई। और मैं जा रही हूँ खुशी को लेने, उसके बाद जाऊँगी मैं सुपरमार्केट। तो देखती हूँ अगर मैं सुपरमार्केट में कुछ वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे लोग अभी इन चीज़ों से वो नहीं है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, बहुत एक दो ही हैं यूट्यूबर जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है अगर कोई देखेगा ना ये वीडियो बना रहे, तो ऐसा मुंह में देखने लगते हैं कि ये क्या कर रही है। तो इंडिया में तो क्या होता है कि सबके हाथ में कैमरा रहता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर बड़ा अजीब सा लगता है जब आप कहीं पर सडनली ऐसे वीडियो बनाने लगो। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी आज यहाँ का सुपर मार्केट दिखाऊँगी आपको। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं। देखो सामने पूरा शहर दिख रहा है, छोटा छोटा पहाड़ी। अभी मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, अगर किसी ने देख लिया ना ड्राइविंग तो कंप्लेन कर लेगा मेरी ड्राइविंग करते हुए वीडियो बना रही है। तो गाइस अभी आ गए हम सुपर मार्केट, ट्रॉली ले जाने यहाँ से। गाइस ये है फ्रूट एंड वेजिटेबल का सेक्शन, और वेजिटेबल यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड में मिलती है, लाइक 2-3 ही सब्जियाँ जो हमेशा मिलती हैं, बाकी तो वे नई सब्जी आ जाए तो बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। और हम लोगों का आजकल यहाँ पे ना टोमेटो नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत ही वेनसडे को ही हमें आना पड़ता है, क्योंकि वेनसडे को शिपमेंट आती है बाहर से, क्योंकि सारी वेजिटेबल बाहर से आती है, यहाँ पे लोकली कुछ भी नहीं होता है, बहुत कम होता है, लाइक टोमेटो और शिमला मिर्च ये सभी होता है बस। और तो इसलिए हमें वेनसडे अगर शिपमेंट आया ना तो वेनसडे को सुपरमार्केट आना पड़ता है।
तो गाइस ये है हमारा ग्रोसरी सेक्शन, और जो जिसमें सारी ग्रोसरी मिलती है इंडियन। अब तो सारी चीज़ें मिलती हैं, यकीन करो। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ 2005 में, तब यहाँ पे बहुत ही कम और इतनी महंगी मिलती थी। मतलब आटा चावल तो बहुत कम मिलता था। मतलब आटा एक गोल्डन टेम्पल नाम से आता था, जिसमें आधा मैदा होता था, और वो भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। तो उसमें हम और मैदा मिला के रोटियां बनाते थे, इतनी मुश्किल होती थी। लेकिन अब बहुत सारे सुपरमार्केट खुल गए हैं, तो अब सब लोग लेके आने लग गए हैं, तो थोड़ा सा ईजी हो गया हमारे लिए। और चीज़ें भी पहले से सस्ती हैं। मतलब वो टाइम पर जब ऑप्शन नहीं रहते ना, तो ये लोग बहुत प्राइस बढ़ा देते हैं। तो यही होता है, अभी भी जब यहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसका प्राइस ये लोग 3 गुना कर लेते हैं। तो गाइस अभी आ गए हम सुपरमार्केट से घर। देखो हम सुपरमार्केट से आज क्या क्या लेके आए हैं। फ्रूट लाई हूँ, ग्रेप्स खुशी के लिए, और इसमें चिकन है, इसमें हॉट डॉग है जो बच्चे ब्रेकफास्ट में खाते हैं। ये मिला है मुझे मे बी 1 साल के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई चीज़ सुपरमार्केट में ख़त्म हो जाती है ना, तो अगले 6 महीने तक आनी मुश्किल होती है, क्योंकि वो इंडिया से US आती है, फिर US से यहाँ आती है, यहाँ आते आते 6 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं पूरे 3 पैकेट लेके आई हूँ, और मैं फ्रिज में रख दूँगी। मेरा एक पूरा फ्रिज जो बड़ा है वो ग्रोसरी के लिए ही है। तो जब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो हम लोग स्टॉक में रख लेते हैं कि भाई हमें चाहिए होती है। ये लाई हूँ यहाँ चाय पत्ती, देखो बाग बकरी चाय पत्ती मिलती है यहाँ पे, तो ये मैं लेके आई हूँ। और एक चीज़ जो सबसे महंगी पड़ी है वो पड़ी है कीवी। एक कीवी 3.95, मतलब $4 की एक कीवी है। तो इतनी महंगी कीवी, एक कीवी $4 की, वो माय गॉड। और बाकी कोकोनट ऑयल, पैरासिट का, और खुशी का सिरप पैनकेक में खाने के लिए। तो बस यही सामान है। और एक पैकेट धनिया जो मुझे कल बोना है, वो धनिया है, क्योंकि नॉर्मल धनिया मैं सीड लेके आती हूँ सुपरमार्केट से, और वही सीड में डालती हूँ, तो मेरा धनिया बहुत आराम से हो जाता है। तो ये सब क्योंकि सुपरमार्केट में थोड़ी सी वीडियो बनाई है, बड़ा अजीब से लगता है, सब लोग ऐसे देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं यहाँ, फोन क्यों है हाथ में, तो इसलिए हम लोगों ने बंद कर दिया। हम लोग घर आके बना रहे हैं वीडियो। तो खुशी चली गई है पढ़ाई करने, अभी उसको शावर लेना है, और मैं ये सामान रखती हूँ जगह पे, और बस। और अब यहाँ पे दिसंबर से ये प्लास्टिक बैग भी बंद हो जाएंगे, और उसके बाद हमें अपने बैग लेके जाने हैं सुपरमार्केट, और अपने बैग में सामान लेके आना है। तो चलो मिलते हैं। अभी बना रही हूँ मैं रोटी और सब्जी। हम लोग रेस्टोरेंट से मंगाया, क्योंकि खुशी ने कहा कि उसको ना डेली घर की सब्जी नहीं चाहिए, आज रेस्टोरेंट से मंगाई है। तो क्योंकि कल परसों डेली मैं घर पे बना रही थी, तो और वैसे भी हम सुपरमार्केट गए थे तो हम लेट हो गए थे। और ये देखो ये मेरा जो बेलन है ना, ये भी इंडिया का है, तवा भी इंडिया का है। यहाँ पे ना तो तवा मिलता है ना ऐसा वाला पक्कड़ मिलता है, यहाँ पे मिलता है लेकिन बहुत फनी होता है वो। और जो यहाँ पे जो बेलन मिलता है ना, वो जो ये पकड़ने वाला होता है वो पूरा घूमता है, तो रोलिंग पिन उसको बोलते हैं ये लोग। तो US में मुझे वही मिल रहा था ना, तो मैं इसलिए नहीं लिया, तो इसलिए मैंने गिलास से बनाया रोटियाँ। तो जब हम इंडिया से कभी भी आते हैं ना, तो आधा से ज़्यादा सामान तो हमारा बर्तनों में होता है, कि अभी ये चाहिए, कभी कुछ चीज़ खराब हो जाए, इसलिए तो हमारे बर्तन बहुत पुराने होते हैं यहाँ पे, क्योंकि नए लेने का मौका ही नहीं मिलता यहाँ पे, हमारे मतलब के बर्तन ही नहीं मिलते हैं। मेरे दोनों प्रेशर कुकर 5 लीटर और 3 लीटर दोनों इंडिया के हैं। अभी मैं ये वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय।